कोहलों से खबर शामिल करते हैं, जहां पर जकरिया मसी का कत्ल। पुलिस ने लवैस के नायब रिसालदार को हिरासत में ले लिया। 4 माह कबल स्पोर्ट्स स्टेडियम से मिलने वाली लाश जकरिया मसी के नाम से हुई थी। तफसीलात के मुताबिक 4 माह कबल स्पोर्ट्स स्टेडियम से एक लाश की इत्तला मिली, जहां पुलिस की भारी नफरी पहुँच कर लाश को शिनाख्त के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल मुंतकिल कर दिया था, जहाँ मकतूल की शिनाख्त जकरिया मसी के नाम से हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत सर में गोली लगने से हुई है। इब्तदाई इत्तला'आत नौजवान की मौत खुदकुशी को जाहिर कर दिया, लेकिन पुलिस ने खुदकुशी को मशकूक करार दिया था। जकरिया मसीह लवाइस में खा कर रोक था। पुलिस ने जकरिया मसीह के वालिद बरकत मसीह की दरख्वास्त पर नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर ली है, जहां 4 माह गुजरने के बाद पुलिस ने रिसालदार मेजर के ड्राइवर नायब रिसालदार को हिरासत में लेकर FIR में नामजद कर लिया है। मजीद तफ्तीश कोहलो पुलिस कर रही है। अवामी हलकों ने जकरिया मसीह के वर्सा को इंसाफ फ्राहम करने का मुतालबा करते हुए अपील की है कि महरूम तबके क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जकरिया मसीह को इंसाफ फ्राहम किया जाए और अफसोसनाक वाक़े का साफ शफाफ तहकीकात करके असल मुलजमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए।